नमस्ते मित्रों, कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है आप अपनी आरोग्यता पर काम कर रहे होंगे और इसी उद्देश्य से लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार एक फिटनेस कंसल्टेंट आपके लिए लाया हूं कि अपने शरीर की जो बॉडी वेट है ये आजकल हर कोई सफ़र हो रहे हैं ओवर बॉडी वेट से, या तो ओवरवेट हो रहे हैं उनके बीएमआई ज़्यादा हो रहे हैं 25 से ज़्यादा, या ओबीस हो जा रहे हैं 30 से ज़्यादा, तो इसको कैसे नियंत्रण किया जाए। तो इस वीडियो में हम प्रमुखता यही जानेंगे कि वो कौन सी प्रमुख 10 युक्तियाँ हैं, यानी कि टिप्स टेक्निक्स ट्रिक्स कौन कौन से हैं, उन सारे पर जिक्र करेंगे। तो उनसे पर जिक्र करने से पहले हमारी यात्रा स्मूथ रहे इसके लिए हम पहले यह बताना चाहेंगे मित्रों कि हमारी बॉडी वेट अंततः होती क्या। तो हम मर्दों में 25 साल के उम्र तक हमारा बॉडी ग्रोथ होते रहता, हम जो खाते उसका इस्तेमाल एनर्जी का इस्तेमाल होते रहता हमारे बॉडी ग्रोथ में। लेकिन जब हम 25 के बाद उम्र हो जाती है तो यही जो कंजम्पशन हो रहा था हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए वो अब ज़रूरत नहीं होती है, बॉडी ग्रो नहीं होते रहती है, अब यही वेट एक्युमुलेशन होते रहता है। यहाँ मैं यह भी बता दूँ कि हमारे बॉडी वेट प्रमुखतः दो तरह के होते हैं, पहला तो फैट का वेट होता है और दूसरा होता है नन फैट, जो कि लीन वेट होते हैं, यानी कि उसमें हमारे बोन आते हैं, मसल आते हैं, स्किन आते हैं, जहाँ की फैट की गुंजाइश नहीं होती। तो जब भी हम फैट लॉस की बात करते हैं, वेट लॉस की बात करते हैं, तो हम उन फैट लॉस के पीछे जाते हैं, और जब हमारे फैट लॉस हो जाते हैं तब लीन वेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि हेल्दियर काम करते हैं। तो एक एवरेज कह लीजिए मित्रों, तो 70 किलो के करीब हमारे बॉडी को माना जाता है, जिसमें कि नंबर ऑफ सेल्स अगर काउंट किया जाए तो 37.2 ट्रिलियन सेल्स होते हैं मित्रों हमारे ह्यूमन बॉडी में, और ऑलमोस्ट हमारे जो बॉडी के 99% जो बॉडी मास है उसमें 6 एलिमेंट ही हैं प्रमुखतः। अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो ये सबसे आप अवगत ही होंगे, उसमें प्रमुखतः ये 6 हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस, यही 99% तक हमारे बॉडी मास को बनाता है मित्रों। और इसमें 60 हैं ऐसे आइडेंटिफाइबल केमिकल एलिमेंट्स हमारे शरीर में अवेलेबल हैं, और उसमें से 25 जो हैं वो गुड हेल्थ के लिए हैं, यानी कि 35 है जो कि विषाक्त पदार्थों में होते हैं। अगर यही रुक गए तो यह हमारे कारण बन जाते हैं मित्रों हमारे ओवर वेट के लिए। और हमें अगर अपने बॉडी वेट को जानना है, आप समझ ही रहे हैं क्यों जानना है, क्योंकि यही कई कारण हो जाते हैं हमारे अनहेल्दी के। अगर हम ओवर वेट हैं, ओबीस हैं, तो कई तरह की लाइफ स्टाइल स्पेशली डिजीजेज जो हैं उनके कारण हो जाते हैं। तो हमें जानना है कि हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं और उन्हें नियंत्रण करना है, और यह आपको चेकिंग करते रहना है अप्रोप्रिएटली। और जो कैलकुलेटर है, जो चार्ट है, यह जेंडर बेस्ड होते हैं, अलग अलग जेंडर के लिए अलग अलग होते हैं, कंपेरिजन चार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं। अगर वेट लॉस की बात की जाए मित्रों, जो कि हमारा प्राइम टॉपिक है, तो यह प्राइमरली डिपेंड किस पर करता है, तो हमें रिड्यूस करना होता है कैलोरी पर। यह सीधा आप समझ लीजिए मित्रों कि आप यह एनर्जी ले रहे हैं और खपा नहीं रहे हैं, खपत नहीं हो रही है, तो आपका बॉडी वेट बढ़ते जाएगा, और एनर्जी अगर कम ले रहे हैं तो आपका फिर बॉडी घटेगा, यानी कि वीकनेस हो जाएगा। तो इन दोनों में संतुलन होना है, आपको अपने बॉडी के बारे में बिल्कुल क्लियर मालूम होना चाहिए कि हमें कितना ऊर्जा चाहिए और कितना मैं खपत कर रहा हूँ। यह कोई स्टैंडर्ड हम बोल नहीं सकते कि 3000 चाहिए, 2000 चाहिए, 1000 कैलोरी चाहिए पर डे, यह आपके रूटीन पर डिपेंड करेगा, आपके बायोकेमिस्ट्री पर डिपेंड करेगा कि कितना आपको चाहिए, किस तरह का आप इस्तेमाल करते हैं, तो इसके सर्वोत्तम जज आप खुद ही हो सकते हैं। तो यह हमारे मुख्यतः कैलोरी इनटेक ले रहे हैं इसी पर डिपेंड करता है। हमारा ओवर वेट अगर कैलोरी ज़्यादा हो रहा तो हमारा बॉडी वेट बढ़ते चला जाएगा। और कई मार्केट में आज देख रहे होंगे कि प्रोपोर्शन एडजस्ट किया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट मत लीजिए, फैट मत लीजिए, सिर्फ प्रोटीन लीजिए, तो ये सब के एडजस्टमेंट से नहीं होगा, आपके पूरे कैलोरी को काउंट करना है, कैलोरी पर ध्यान देना है। एक रीजनेबल और सस्टेनेबल मेजर आपको लेना है वेट लॉस के लिए, और अगर आप ले भी रहे हैं ऑनेस्टली तो आपको 5 से 10% ही आइडियली होना चाहिए 6 महीने में। ऐसा कोई स्कीम में चले गए 15 दिन में 10 किलो,
एक महीने में 20 किलो, तो ये सब सस्टेनेबल नहीं होगा मित्रों, ये कहीं ना कहीं इसके साइड इफेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट, बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, तो इसमें कई तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो ये मिस हो जाएंगे और वो कहीं ना कहीं आपके शरीर में साइड इफेक्ट लगाएंगे। तो आप यह गांठ बांध के रख लीजिए कि अगर आप इस स्कीम में जाते हैं तो सस्टेनेबल और रीजनेबल स्कीम के तहत ही जाइए, और इसमें 5-10% ही रिडक्शन होना चाहिए। यानी कि आज आपका अगर 80 है तो 10% मैक्सिमम ही टारगेट रखिए अगले 6 महीने में, तब वो सस्टेनेबल। अब मैं बात करने जा रहा हूँ मित्रों कि वो कौन कौन सी चीज़ हमें करना है, यानी कि डूज है, क्या क्या करना है जिससे हम वेट लॉस करा लें। अगर आपने देखा कि हमारा ज़्यादा ही हो रहा वेट, तो अगर डू की बात की जाए मित्रों, तो सबसे पहला मेरा जो फेवरेट टॉपिक होता है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज होते हैं, एक्सरसाइज होते हैं, योगा हैं, योगा के तहत योगासन होते हैं, प्राणायाम होते हैं, ध्यान होते हैं। और ज़्यादा अपने आप को एक्टिव बनाइए, एक्टिव बने रहिए। तो इसमें जो हमारे वेट लॉस होंगे, वेट आपको चढ़ेंगे नहीं, या तो वेट हैं तो लॉस हो जाएंगे या फर्दर आपके वेट बढ़ेंगे नहीं। और इसके साथ ही जब आप रेगुलर नियमित करने लग जाते हैं एक्सरसाइज, तो आपके हेल्थ बेनिफिट भी मिलेंगे, एक्स्ट्रा कैलोरी जो है उन्हें भी बर्न करेगा। यह जो कि बगैर एक्सरसाइज के सिर्फ डाइट से चाहें कि ये खा लें वो खा लें और वेट लॉस हो जाए, तो ये कदापि नहीं होगा। प्रॉपरली बैलेंसिंग आपको एक्सरसाइज करने के बाद, एक्टिवनेस के बाद ही होगा। अगर आप कर पा रहे हैं 150 आवर्स पर वीक तो बेहतर है। अगर वो किसी भी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं एट ऑल, तो आप आउटडोर कोई गेम खेलने जाइए, आप डांस कर लीजिए। अगर डांस जानते हैं तो आपको मोटापा आएगा ही नहीं अगर आप प्रॉपरली कर रहे हैं। अगर डांस नहीं भी आ रहा तब भी आप डांस कीजिए, अगर आप आनंदित होते हैं। आप जहाँ भी मौका मिलता है आप सीढ़ी चढ़ा कीजिए, गार्डनिंग कीजिए, अपने अगर पेट रखे हैं तो उसके साथ ही वॉकिंग पर जाइए। अगर गाड़ी से जाते हैं तो उस गाड़ी को थोड़ा दूर करके ही पार्क कर दीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचने में समय लगे, वॉकिंग उसी बहाने हो जाए। और एक पीडोमीटर होता है मित्रों, आपने सुना ही होगा, ये हमारे आजकल मोबाइल में भी ऐप में आते हैं, एंड्रॉयड के साथ भी आते हैं, अलग से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपके दिन भर में कितना कदम आपने चला है, कितना मीटर चला है, यह आपको बता देगा। तो आप यह ध्यान दीजिए, अगर आप 30 मिनट्स पर डे एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट 1000 स्टेप्स पर डे तो कर ही लीजिए। इसके साथ ही अगर मैं खान पान की बात करूं मित्रों, क्योंकि खान पान का ही यहाँ 80% भूमिका है, 20% है एक्सरसाइज का, जिसे मैंने पहले बताया, अब मैं बात कर रहा हूँ उन 80% का। तो यहाँ हमें भरपूर मात्रा में फल और हरी सब्जियाँ लेना है, जिससे कि क्या होगा, हमारे कैलोरी तो कंट्रोल्ड रहेंगे, फैट कंट्रोल रहेंगे, और फाइबर अधिकतर, यानी कि सारी ही फल सब्जियाँ में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जिससे कि जो प्रमुख हैं, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं वेट लॉस के लिए, ये सब आपको मिलेंगे, जिसमें कि विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, प्लांट कंपाउंड हैं, ये सब मिलेंगे। तो हमारे शरीर में मित्रों, हम जान ही पा रहे हैं कि वाटर भरे पड़े हैं। हमारे शरीर के लिए वाटर लॉ, अगर वेट लॉस करना है तो आपको वाटर का ध्यान रखना पड़ेगा अपने माइंड में। किस तरह से, आप यह समझिए कि हमारे शरीर में यह जल पूरे भरा पड़ा है, जिसकी मात्रा करीब 60-65% है मेल के बॉडी वेट में, और फीमेल का अगर लेते हैं तो 50% उनका बॉडी वेट जो होता है वाटर कंटेंट्स हैं। क्योंकि फीमेल में ज़्यादा फैट होती है और इसीलिए उन, और वाटर कंटेंट्स कम हैं, इसके बदले उनमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इन वाटर के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, और हाइड्रोक्सी प्लेटीन है, एक तरह की बोन है जो बोन में काम आते हैं, और इसी के साथ ही मिनरल हैं और डीएनए है। यही सब हमारे पूरे शरीर में विस्तृत है मित्रों। ये सारे एलिमेंट जो हैं इसमें क्या क्या भरे पड़े हैं, और आयरन है, जिंक है, कॉपर है, सिलिनियम है, जो हमारे बॉडी में कम सिर्फ 10 ग्राम तक ही ये सब अवेलेबल हैं।
10 ग्राम से भी कम आप रख लीजिए, जिसमें कि ये सब मेटल जो आते हैं, आयरन, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, ये सब हमारे आते हैं। अब अगर वाटर की ही बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, वेट लॉस में यह कैसे काम आएगा, तो आप 8 ग्लास प्रतिदिन पीजिए, या अगर 8 नहीं पी रहे हैं तो कुछ आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई हर्बल टी वगैरह को भी लेके। तब ये आपको क्या करेगा, हमारे जो स्लगिस डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाते हैं, जो कई टॉक्सिक पदार्थ को जो निकाल देना था निकाल नहीं पा रहे हैं, जो कि हमारे नॉर्मल डाइजेशन एक्टिविटीज में होते ही हैं, टॉक्सिक बिल्डअप होते हैं, एक सामान्य प्रक्रिया है, इन्हें निकालने में ये करेगा मदद, यानी कि डिटॉक्सिफाई करेगा। कई बार आदमी मित्रों कन्फ्यूज हो जाते हैं जब उनको क्रेविंग आता है, उन्हें ये पता नहीं चल पाता कि ये क्रेविंग है, हंगर है या थर्स्ट है। तो आप रेगुलर पानी पीते रहिए, आप आइडेंटिफाई कीजिए कि यह भूख नहीं है, सिर्फ प्यास से ही काम चल जाएगा, तो आप एक्स्ट्रा कैलोरी भी नहीं ऐड करेंगे और आपकी क्रेविंग भी ख़त्म हो जाएगी। अगला पॉइंट है मित्रों, हमें कंट्रोल करना है और मेजर करना है। जब भी हम खाते हैं हर सर्विंग को, उसमें सफिशियंट मात्रा में वेजिटेबल्स होना है और हमारे प्लेट में फल भी होना है हर मील में। और जब भी खाते हैं मित्रों, तो यह आप ध्यान दीजिए कि विथ फुल माइंडफुलनेस, यानी कि यह एक ध्यान का रूप आप समझ लीजिए मित्रों। हम अपना भोजन प्रारंभ करने से पहले अपने ईश्वर को तो याद करते ही हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं, भोजन पर सिर्फ ध्यान देते हैं, ग्रेटफुल होते हैं बनाने वाले के प्रति और प्रकृति के प्रति, उस किसान के प्रति ग्रेटिट्यूड पे करते हुए हम खाते हैं, और इसके अलावा कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं। उसके वैल्यू को देखते हैं, पॉजिटिवली देखते हैं, इसके कैलोरी कितना ज़्यादा है, ये हमें सेटाइटी दे रहा है कि नहीं। आपका हर मील सेटाइटी दे मित्रों, यानी कि क्या मतलब होता है कि ऐसा महसूस हो कि संतुष्ट हो गए, हम सेटिस्फाई हो गए, भर गया पेट, अब और खाने का मन नहीं कर रहा, ये महसूस होना चाहिए। ये जब आप डिले करके खाएंगे, हमारे स्टोमिक को 20 मिनट्स लग जाते हैं ये सेटाइटी के सिग्नल देने में, यानी कि आपको स्लो च्यूइंग करके खाना है तो अपने आप ये आ जाएगा। आपको यह भी देखना है जो हम खा रहे हैं वो हेल्थफुल है कि नहीं, ओनली टेस्टी है, यह आपके लिए प्रिय हो ना हो श्रेय जरूर होना चाहिए हर खाना में। अगर आपको इस तरह का खा रहे हैं जो लेबल्ड है, तो उसके लेवलिंग को देखिए कि इसमें कहीं ज़्यादा फैट तो नहीं है, कहीं इसमें सोडियम तो नहीं है, क्योंकि फैट और सोडियम रहेगा तो फिर से आपको वेट लॉस नहीं होने देगा। मित्रों, इस वेट लॉस से ही कनेक्टेड आपको मैं एक सलाह दूंगा कि आप एक सोशल सपोर्ट अपने इर्द गिर्द रखिए, जिसमें कि एक पॉजिटिव सोशल नेटवर्क रही है, जिनके साथ आप खुल के बात कर सकें कि मैं क्या खा रहा हूँ, आप कम्युनिटी डेवलप कर सकते हैं। उसके साथ ही ऐसे आदमी को भी रखिए जिसके साथ, एक्सपर्ट आदमी जिसके साथ आप काउंसिल कर सकें, कोई ग्रुप हो सकते हैं या कोई इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, उनसे खुल के आप सलाह मशविरा कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज क्लब में ज्वाइन कर लीजिए, उससे मेंबरशिप लीजिए, उसके पार्टनर बन जाइए, या कई बार ऑफिस में भी ऐसे होते हैं एम्प्लॉई असिस्टेंट प्रोग्राम होते हैं, उसमें ज्वाइन कीजिए, इस तरह के क्रिएट कीजिए। अब अगला पॉइंट मैं बोल रहा हूँ मित्रों कि हेल्दी स्नैक हमें लेना है। अगर हम भूखे महसूस कर रहे हैं दो मील के बीच में, स्पेशली डिनर टू लंच अगर ज़्यादा गैप हो जा रहा है, तो अगर स्नैकिंग करने की ज़रूरत है तो एक हेल्दी स्नैक लीजिए। कई बार हम ऐसे कुछ भी चॉकलेट बिस्किट कुछ भी खा लेते हैं, इसके बजाय आप केला ले लीजिए या कोई भी जो सीजनल फ्रूट है ये सब ले लीजिए, या कोई वेजिटेबल्स ही ले लीजिए, जैसे खीरा वगैरह है, बीट रूट है, ये सब खा लीजिए, टमाटर ही खा लीजिए। अब मित्रों, अगर हम बात करें वेट लॉस की, तो वेट लॉस में एक नया कंसेप्ट है स्किन ब्रशिंग। इससे क्या होता है, हमें स्किन ब्रशिंग खुद ही कर लीजिए, आप नहाने के दौरान या अदरवाइज मालिश कर लीजिए। इससे क्या होता है, हमारे ब्लड के सर्कुलेशन बढ़ जाते हैं, और इससे क्या होता है, हमारे शरीर में कई जगह जैसे यहाँ है, यहाँ लसिका तंत्र होते हैं मित्रों, यानी कि लिम्फेटिक नोड्स होते हैं, ये पूरा लिम्फेटिक सिस्टम के नर्व्स फैले रहते हैं जगह, तो ये हमारे फैटी डिपॉजिट जो आ जाते हैं, यानी कि टॉक्सिक मटेरियल जहाँ तहाँ जम जाते हैं, इन्हें ब्रेकडाउन कर देता है और आगे एक्सक्रीटरी सिस्टम से आगे बढ़ा देता है। अब अगर आपको खाने की बात ही कर रहा हूँ तो ये वेराइटी ऑफ डाइट लीजिए। ऐसा नहीं कोई ले लीजिए कि वही आपको बोरिंग हो जाए, इसमें वेराइटी, कलरफुल हो, न्यूट्रिशनल हो और
ऐसा कुछ भी ना हो कि एक ही चीज़ आप ले रहे हैं उससे आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही अगर मैं बोलूं कि क्या क्या नहीं करना है, तो नहीं करने में सबसे पहला मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप रेगुलर मील लीजिए। और विशेषकर कई लोग में ऐसा पाया गया है कि वो अपने ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं, तो ऐसा तो कदापि भी मत कीजिए। क्योंकि जब आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो यह आपके वेट को लूज नहीं करता है, आप कई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो ब्रेकफास्ट के दौरान, हम फ्रूट के दौरान या ब्रेकफास्ट जो कहा जाता है हैवीएस्ट होना चाहिए, हम कई न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स को हम मिस कर रहे हैं अपने शरीर को, जो कि हमें हेल्थ रखने में होगा। तो आप कभी ये टूल मत अपनाइए। और इसके साथ ही आपको प्रोसेस्ड फूड, अगर डॉन्ट्स में मैं बताऊँ तो प्रोसेस्ड फूड तो बिल्कुल ही नहीं लेना है, कोई भी जंक फूड जो है। हम अब अपने जो टेम्पटेशन है देखते के साथ ही ऐसा हो जाता है, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, स्टॉकिंग ही मत कीजिए। कई बार हम इतना ज़्यादा खरीद के रख लेते हैं, चॉकलेट, बिस्कुट, चिप्स, फिजी ड्रिंक्स वगैरह रख लेते हैं अपने घर में ही, तो इन सब को आप रखिए ही मत। इसके बजाय आप हेल्दी स्नैक्स जो हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, अनसाल्टेड राइस केक्स हैं या ओट केक्स हैं, अनसाल्टेड और अनस्वीटेंड पॉपकॉर्न मिलते हैं या फ्रूट जूस हैं जो फ्रेश, इनको आप रखिए। जंक फूड को स्टोरिंग ही ख़त्म कर दीजिए। और नेक्स्ट है, अगर लिक्विड कैलोरी जो हम कोल्ड ड्रिंक्स के तहत लेते हैं या किसी तरह की अल्कोहल, चाहे वो अल्कोहल की कोई भी फॉर्म हो मित्रों, चाहे वो बियर हो, वाइन हो, रम हो, वोडका हो, थर्रा हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, इसे तो आप बिल्कुल ही टच मत कीजिए। और इसके साथ ही धूम्रपान, यह तो बिल्कुल ही नहीं करना है। तो ये सब आपको करना है, क्योंकि इन सबों को क्या बोलते हैं मित्रों, ये लिक्विड जो कैलोरी हैं इन्हें एम्प्टी कैलोरी बोलते हैं। इनमें कैलोरी तो बहुत हाई होता है, लेकिन जो बाकी इसके साथ होने चाहिए था न्यूट्रिशनल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इन सब की भयंकर कमी होती है। और अंत में डॉन्ट्स में मैं बोलूं कि जब भी हम खाते हैं तो मीडिया को दूर रखिए, मोबाइल को अपने बॉडी का जो लेंथ है उतना दूर जरूर कर दीजिए, ताकि आप पहुँचे ना, यूज कदापि ना कीजिए उस मीडिया में। टीवी ना हो, टीवी देखते हुए आज ट्रेंड्स है, समय की कमी हो जाती है तो हम टीवी देखते, मोबाइल चलाते या किसी से गप करते ही, आप बिल्कुल कंसंट्रेट होके खाइए और फिर देखिए इसका असर, आपकी नींद की ज़रूरत घट जाएगी, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आपका वेट लॉस में भी मदद करेगा, क्योंकि प्रॉपर मेटाबॉलिज्म होगा, यानी कि जो भी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रहा, टर्न हो रहे हैं, उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगी, वेट गेन करने का सवाल ही नहीं। अब मित्रों मैं यही कहना चाहूँगा कंक्लूजन में कि अपने खाने को आप बेहतर टाइम से पहले ही प्लान कर लीजिए, स्पेशली अगर संभव हो तो पूरे सप्ताह का प्लान कर लीजिए कि किस दिन क्या ब्रेकफास्ट होगा, लंच होगा, डिनर होगा, स्नैक्स होगा, और उस पर वो कैलोरी अलाउंसेस को मद्देनज़र रखते हुए बनाइए। यह आपको वीकली जो शॉपिंग लिस्ट है इसमें भी मदद करेगा और वेट लॉस में भी मदद करेगा। इस लिस्ट को बड़ा ही सिंपल रखिए, फ्रेश और रा इंग्रेडिएंट्स का ही नाम रखिए, रैदर कि आपको अगर एट ऑल ही लेना है जब वेट लॉस में जा रहे हैं तो आप 80-20 भी नहीं ले सकते हैं, आपको तो 100 का ही प्रयास करना है। और महीना में एक आध दिन चिटमिल अगर हो गया तो कोई बात नहीं, पर प्रयास कीजिए कि जो आपने वीकली मीनू बनाया है उसके तहत ही होना चाहिए। और अगर आपका फेस ज़्यादा ही फूल गया है या पेट फूल गया, जिसे ब्लोटिंग बोलते हैं, तो कई बार ऐसा पाया गया है कि इनटॉलरेंस, असहिष्णुता हो सकती है आपके बॉडी में उस चीज़ के प्रति, तो ये आपको ही आइडेंटिफाई करना है, ये कोई एक्सपर्ट डाइटिशियन नहीं बता सकते, ये आपको खुद ही जज करना है कि वो कौन सा फूड मटेरियल है जिसके कारण यह प्रॉब्लम हो सकता है। वो एलिमेंट में हो सकते हैं, कोई व्हीट हो, डायरी प्रोडक्ट हो, या कोई साइट्रस प्रोडक्ट हो, अंडा हो, नॉन वेज प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो सकते हैं, तो इन्हें आपको आइडेंटिफाई करना है और इन्हें बिल्कुल कट कर देना है कि किनके कारण ब्लोटिंग हो जा रहा, और फिर बाद में धीरे 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 आप इनको रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फूड जो है, अगर मैं लास्ट में यही बताऊंगा कि आप एक क्या कीजिए, वेट लॉस डायरी मेंटेन कर लीजिए कि क्या क्या आपने खाया,
कितना वजन हुआ। इस तरह से आप अपने शरीर की जो वेट गेन का समस्या है, ओबेसिटी की समस्या, इसको आप डॉक्यूमेंटेड कर सकते हैं। और लास्ट में मैं हमेशा अपने वीडियो में बोनस टिप्स देता हूं, तो इसमें मैं यही कहना चाहूंगा मित्रों कि हमें फोकस करना है कैलोरी में। जैसा मैं बताया कि कैलोरी को अगर घटा देंगे तो अपने आप बॉडी वेट घटेगा, या फिर दूसरा ये कर सकते हैं, अगर कैलोरी ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा खाना है तो बहुत ज़्यादा बर्न भी कीजिए, जो कि आज फिजिकल बहुत ही कम लोग कर पा रहे हैं। हर आदमी कंप्यूटर पर, सॉफ्टवेयर पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर और तरह तरह के मशीन का इस्तेमाल कर फिजिकल वर्क कर नहीं पा रहे हैं। तो आप फिजिकल एक्सरसाइज तो कीजिए ही, उसके साथ ही कैलोरी भी कट कीजिए। और ये भी देखिए कि आपके शरीर की क्या ज़रूरत है, कहीं कमजोरी तो नहीं हो रहा, कैलोरी इतना कट तो नहीं हो रहा कि अंडर वेट पड़ जा रहा। तो आपको निगेटिव एनर्जी बैलेंस भी ये देखना है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, अपने वेट गेन के बाद कैलोरी इंटेक को इतना ज़्यादा घटा देते हैं, कई बार उन्हें कितना चाहिए यह पता ही नहीं लगता और वो 1000 से भी नीचे चले जाते हैं और फिर उनको वीकनेस आने लगता है। तो एक एवरेज 1000 से 1600 अलग अलग जेंट्स, मेल फीमेल वर्क के अनुसार आता है कैलोरी। तो 1000 से नीचे तो इसे बिल्कुल ही नहीं जाने दीजिए, क्योंकि अगर 1000 से जा रहा है तो जो डेली सफिशियंट न्यूट्रिशन है वहाँ माल न्यूट्रिशन होने लग जाएगा। और BMI अगर 40 से ज़्यादा हो रहा है आपका, तब तो थेरेपी अपने सर्जिकल थेरेपी हो है वो आपके लिए ऑप्शन होगा। उस ऑप्शन को लेने से पहले ही आप ये सब आसान सी चीज़ नेचुरली करने वाला कर लीजिए। हाई फाइबर फूड्स को अपने मील में इंटेक कराइए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फल सब्जियां आप लीजिए। और जो भी खाते हैं तो अगर फूड लेवल है तो उस लेवल को ज़रूर देखिए, वहाँ सोडियम और फैट की मात्रा नगण्य हो, या कई बार होते हैं फैट फ्री, शुगर फ्री, सोडियम फ्री और इसके अलावे कोई ऐसा एलिमेंट हो जाता है जो उससे भी ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। इसके साथ ही मैं लास्ट टिप्स यही देना चाहूँगा मित्रों कि जब भी खाते हैं आप एक छोटा सा प्लेट ही, स्मॉलर प्लेट रखिए, जिसमें कि आपको फुलनेस का एक फीलिंग आएगा। छोटा ही बाउल लीजिए, उसमें पूरा भर लीजिए, तो इससे क्या हो जाएगा, आपके स्टोमिक भरने में समय लगेगा। धीरे 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 खाइए और मुझे पूरी उम्मीद है इन सारे टिप्स ट्रिक्स टेक्निक को अपना के आप वेट लॉस की जर्नी में आप यात्रा तय करेंगे और सफल होंगे। और अगर वेट नहीं गेन किए हैं तो सही वेट आपका कायम रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। तो ये सारी युक्तियां मुझे लगती है कि पूरे आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। हमारे साथ आप बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र कुमार की ओर से। और आप हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट के द्वारा अपना विचार लिखिए और निकटतम रिश्तेदार के साथ, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि आप भी पुण्य के भागी बने। सब प्रेम धन्यवाद नरेंद्र कुमार की ओर से।